आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची की जानिब से सिब्बी के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें गाँव तली लूनी मल गोरगेज बकड़ा गुलाम बोलक व सिब्बी के दीगर इलाकों में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची की जानिब से मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए फ्री सर्विस दी जा रही है क्योंकि हालिया बारिशों के बायस कई बीमारियों ने जन्म लिया। कराची से आए हुए डॉक्टरों ने सिब्बी के इलाके मल गोरगेज में लोगों का फ्री चेकअप के साथ साथ औदियात भी फराम की। नुमाइंदा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट सिब्बी उबैदुल्ला रिंद का कहना था कि आज हम लोगों ने आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची की जानिब से मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए सिब्बी के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज के साथ साथ इनको फ्री औदियात भी फराम की जा रही हैं। रहमान रही मैं नुमाइंदा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जिला सिब्बी बलूचिस्तान। आज हम मल गोरगेज फ्लड मुतासरीन के लिए मोबाइल वैन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने कराची से भेजी है। इनमें डॉक्टर मेडिसन ये तमाम मुफ्त इनको फराम किया जा रहा है। इनके साथ आंखों का डॉक्टर भी हमारे साथ है। मलेरिया टाइफाइड डायरिया तमाम मर्जों का जो इलाज यहाँ किया जा रहा है। ये तकरीबन 4-5 देहात है, तकरीबन सिब्बी से 30-35 किलोमीटर का फासला है। यहाँ जो है सैलाब ने बड़ा नुकसान किया है जिसकी वजह से ये इनकी काफ़ी नुकसान हो चुका है। मकानात गिरे हैं, इनके जानवर बह गए हैं, ये इंतहाई गरीब लोग हैं। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इन बच्चों के देखें आप इनकी हालत। इनको मद्देनज़र रख के आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने इनके लिए मोबाइल वैन भेजा है। मज़ीद इनके लिए जो इनके ज़मीन है उनको भी हमवार करने के लिए खाद और बीज, और जिनके मकान गिरे हैं उनके लिए, जो गरीब हैं बेवा हैं यतीम हैं उनको एक एक कमरा भी बना के दिया जाएगा। मजीद इनका कहना था कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कराची की जानिब से यूं ही आगे भी गरीब और नादार लोगों का फ्री चेकअप और औदियात फराम करते रहेंगे क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।